Assalamualaikum viewers, welcome back to another video. Today's video is not about any sort of food review. आज हम लोग आए हैं इधर रोज़ गार्डन, यहाँ पे जो है एनुअल फ्लावर एग्जीबिशन हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जाया जाए और आप लोगों के लिए खूबसूरत लम्हात को कैप्चर किया जाए और एक अच्छा फैमिली डे स्पेंड किया जाए। तो व्यूज़ हम लोग आ गए हैं, चलें अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। व्यूज़ हम लोग इधर आ चुके हैं रोज़ गार्डन में, पीछे एक फ़ोटोशूट भी चल रहा है ब्राइडल। खैर हमें उससे क्या लेना देना, हम तो आए यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन देखते हैं। धूप चली गई है, धूप इंजॉय करनी थी लेकिन पोस्ट कंप्लेनिंग। देखते हैं इसके बाद कोई खाने का अगर सीन बना, कोई हमने चाय या पकौड़े वगैरह ट्राई किए तो उसका भी आपको ज़रूर रहनुमाई देंगे। कितने की प्लेट है भैया दही भल्ले की और फ्रूट चाट?
क्या ले रहे हो? चटनी, केचप। कभी नहीं डाली मेरे साथ। क्या सेफ्टी के बना? थैंक यू। ये क्या भैया? दाल भात, हरा धनिया, अनार दाना, मोम डाले होते हैं तेल पानी के लिए। व्यूअर्स, लाहौरी कतलमा ट्राई करते हैं फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें रोज़ गार्डन में एक नई चीज़ ट्राई करने को मिल जाएगी, लेकिन हमें लाहौरी कतलमा मिल गया। 100 रुपीज़ पाओ, नाइस क्रिस्पी फ्लेवर, बहुत मज़े का। कितना रुपये है भैया? ये 300 का पैकेज है सर, जिसमें 2 रोटियां, 1 प्लेट साग है, मक्खन और व्यूअर्स। ओवरऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स की अरेंजमेंट हुई भी थी। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फूड का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो समझ रहा था हम फूलों की नुमाइश देखेंगे और घर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम लाहौरी कतलमा ट्राई करने को मिला। बहुत ही डिफरेंट था, दालों से बना हुआ था, डिफरेंट, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। 100 रुपीज़ का पाव था, मैंने आधा पाव लिया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। साथ साग मकई की रोटी, मक्खन, अचार, बेहतरीन व्यूज़। इट टर्न आउट टू बी अ फूड रिव्यू वीडियो आफ्टर ऑल। मैं समझा था कि फूड रिव्यू नहीं होगा, लेकिन आप लोग भी ज़रूर से शिफ्ट लाएँ। कल का दिन भी आई थिंक ये है 3, 4 और 5 दिसंबर को रोज़ गार्डन में, इंजॉय करें फैमिली के साथ। एंड टेल अनदर वीडियो, अफाक अहमद को आप से इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।